तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंची होम के 3C स्ट्रेटेजी के बारे में। 3C स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, केंची होम कौन है। 3C स्ट्रेटेजी का मतलब है भैया कॉम्पिटिटर, कस्टमर और कॉरपोरेट। और केंची होम है भैया जापान के नंबर वन स्ट्रेटेजिस्ट गुरु। स्ट्रेटेजी बिजनेस की स्ट्रेटेजी के भाई इनका कोई तोड़ नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाते हैं, काफ़ी बिजनेस को ग्रो भी करवाते हैं। तो आज हम उन केंची होम की ही स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे हम इसे अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सकें ताकि अपना बिजनेस भी ग्रो हो जाए। तो ये स्ट्रेटेजी भैया 3C स्ट्रेटेजी। अब 3C स्ट्रेटेजी मतलब का 3C का मैं तो मतलब तो मैंने बता दिया कि क्या होता है, कस्टमर, कॉरपोरेट और कॉम्पिटिटर। तो मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। तो भैया देखो 3C के अंदर भैया पहला सी जो होता है ना वो होता है भैया कस्टमर। अब कस्टमर के अंदर केंची होम क्या कहते हैं, केंची होम कहते हैं कि भैया देखो जो कस्टमर होता है ना किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए दो तरीके कस्टमर लगते हैं। पहला वो होता है भैया करंट कस्टमर जो आपके यहाँ पे अभी भी है और रिटेन है। दूसरे होते हैं भैया पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि वो कस्टमर जो फ्यूचर में आपके कस्टमर बनने वाले हैं। जब ये दो कस्टमर आपके पास होते हैं तभी आपका बिजनेस एक्सपेंशन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं आती, आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे से एक्सपांड हो जाता है केंची होम के हिसाब से। अब केंची होम ने इसे 3 स्ट्रेटेजी के अंदर डिफरेंट किया है कस्टमर को भी, उसने 3 कैटेगरीज बना दी है। वो कैटेगरीज कैसे अभी अपन समझते हैं। तो वो 3 कैटेगरी ऐसी है कि भैया पहली कैटेगरी है कस्टमर सेगमेंटेशन प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, कस्टमर सेगमेंटेशन प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे फीचर जो कस्टमर को अगर नहीं मिले तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो कन्वेंशनल के रिलेटिव होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी का, राइट, तो गाड़ी के अंदर मोड्स होते हैं जैसे कि स्पोर्ट मोड, एडवेंचर मोड और इकोनॉमी मोड, राइट। तो कस्टमर को अगर हो सकता है कोई कस्टमर मेरी गाड़ी मेरे शोरूम में गाड़ी लेने के लिए आ रहा है और उसे स्पोर्ट मोड ना मिले मेरी वाले वर्जन के अंदर, तो हो सकता है कि वो जाए दूसरे किसी शोरूम के अंदर, वहाँ से वो दूसरी कंपनी की गाड़ी खरीद ले, राइट। तो केंची होम ये कहना चाहता है कि भैया आपको जो कस्टमर चाहिए ना, कस्टमर को जो चाहिए ना आपको, वो किसी भी हाल में देना ही है, क्योंकि ये कन्वेंशनल की रियलिटी में होता है। कन्वेंशनल पावर जो होते हैं ना कस्टमर की, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है और कस्टमर आपका प्रोडक्ट जो है ख़रीद लेता है। उसके बाद में इन्होंने और एक कैटेगरी बनाई, वो कैटेगरी दूसरी नंबर की है जिसे कहते हैं भैया कस्टमर सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग। जो दूसरी जो सेकेंड कैटेगरी है वो है भैया कस्टमर सेगमेंटेशन और मार्केटिंग। अब कस्टमर सेगमेंटेशन और मार्केटिंग का यहाँ पे मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो केंची होम में ये कहना चाहते हैं कि देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना उनका एक साल का जो बजट होता है एनुअल मार्केटिंग के लिए, वो बजट उतने ही कस्टमर को दिखाया जाता है, उतने ही बार उसका यूज़ किया जाता है, साल में एक बार ही उसका यूज़ किया जाता है मार्केट में ये दिखाने के लिए कि भाई हम जिंदा है। और उसके बाद में भैया आता है तीसरा कैटेगरी, वो है भैया थर्ड नंबर की जो कैटेगरी है वो है भैया कस्टमर सेगमेंटेशन रीसेगमेंटेशन। जी हाँ, अब रीसेगमेंटेशन का मतलब ज़रा समझ लेते हैं। देखो जो बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस के अंदर कंपटीशन आते रहता है और आज के डेट में भैया जो मार्केट के अंदर जो चेंज होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होते रहते हैं। चेंजेस नए नए प्रोडक्ट आपने को देखने को मिलते हैं। तो केंची होम कहते हैं कि भैया देखो अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, अप टू डेट रहना है ना, तो आपको आपके सेगमेंट के अंदर नए नए प्रोडक्ट को हमेशा लाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आप अप टू डेट रह पाओगे और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना पाओगे। अब यह था भैया कस्टमर का वाला, राइट। तो अब बारी आती दूसरे सी की, दूसरा सी है भैया कॉरपोरेट। अब यहाँ पे केंची होम ये समझाते हैं, केंची होम ये कहता है कि भैया देखो ये जो कॉरपोरेट है ना, कॉरपोरेट का अंदर का मतलब ज़रा एक बार समझ लो। कॉरपोरेट के अंदर का मतलब क्या है कि कल्चर, और दूसरा है मतलब कि असेट लाइट। अब असेट लाइट यहाँ पे ये कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ज़रा जान लेते हैं। देखो केंची होम में कहते हैं कि देखो बिजनेस के अंदर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कॉस्ट कंट्रोल, राइट। अगर आपकी कॉस्ट कंट्रोल में नहीं होगी ना तो आपका बिजनेस ज़रूर डूबेगा, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल बड़े ही पैमाने पे उसके चांसेस होते हैं कि वो आपका बिजनेस डूबा देगा अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल ठीक से नहीं की। उसके बाद में जो होता है वो होता है भैया दूसरे नंबर के मतलब कि इसी कॉरपोरेट के अंदर, वो है भैया असेट लाइट, या फिर कुछ लोग इसे फ्लाई लाइट भी कहते हैं। केंची होम कहते हैं कि भैया देखो एक काम करो, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए ना, जो चीज़ आप नहीं कर सकते ना, आप उसे आउटसोर्स कर दो
ताकि वो कॉस्ट आपको ना देनी पड़े, इतनी वो कॉस्ट ना बने। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लूँ मैं एयरटेल का। अब एयरटेल क्या करता है, सारे प्रोडक्ट बनाता है, एयरटेल का डिश टीवी बनाता है, एयरटेल का एक्सट्रीम बनाता है, एयरटेल का फाइबर बनाता है, लेकिन वो इन्हें मैन्युफैक्चर नहीं करता है, उसने वो आउटसोर्स किया हुआ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एयरटेल के अंदर एक नई कॉस्ट नहीं आ रही, वहाँ पे लेबर वगैरह जो कॉस्ट होता है ना, वो कॉस्ट उसके अंदर नहीं आ रहा है, उसको सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट देना है उस पर्टिकुलर कंपनी को, समझ में आ रहा है बात को। तो यही केंचियोम भी समझाना चाहते हैं कॉर्पोरेट के अंदर। अब तीसरा सी होता है ना, उन्होंने कहा है तीसरा सी है भैया कॉम्पिटिटर। देखो केंचियोम कहता है कि भैया जो कॉम्पिटिटर होता है ना, आज के डेट में हर एक बिजनेस के अंदर आपको तीन चार कॉम्पिटिटर मिल ही जाते हैं जो आपके जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके अंदर डिफ्रेंशिएट हम कैसे करें, तो उसके लिए केंचियोम ने दो रास्ते बताए। उन्होंने कहा है कि भैया देखो, सबसे पहले आप अपनी इमेज बनाओ। इमेज ऐसी बनानी है कि भैया आप हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो और आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, क्वालिटी कस्टमर सर्विस ही देते हो और आपको देनी भी है। जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो, क्वालिटी सर्विस देते हो, तब कस्टमर अपने आप ही आपके पास रिटेन हो जाता है और कंप्यूटर के पास नहीं जाता। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। अब केंचियोम कहते हैं कि भैया आपको और एक चीज़ चाहिए, वो आपको चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी। अब केंचियोम कहते हैं कि भैया देखो, जो बाकी जो कंप्यूटर्स हैं ना, वो भले प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन आपको किसी ना किसी हाल से इतने मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज बनाने हैं अपने बिजनेस के अंदर, ताकि आप जो है उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जल्द से जल्द लेके आओ। और जब आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी आएगी ना, तो आपका कंप्यूटर भी एक तरीके से बोकला जाएगा, वो कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करेगा, उसके अंदर वो गड़बड़ा जाएगा और कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देगा जिसके अंदर उसका बिजनेस डूब जाएगा। तो आपको अगर उस मार्केट में सेगमेंट होना है, तो आपको भैया कंप्यूटर का आने के लिए पहले आपकी इमेज अच्छी बनानी है, प्रोडक्ट अच्छे देके। दूसरा है भैया आपको प्रॉफिटेबिलिटी और जाना है। जब आप प्रॉफिटेबिलिटी और जाते हो ना यार, तब अल्टीमेटली आपको पास R&D वगैरह के लिए भी पैसे आ जाते हैं और आप काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में और लाइक भी करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।